नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स. प्रियंका एंड दीपिका, ओके, दो लड़कियां हैं, इनकी जो एज है वो एज क्या है, दोनों को प्लस करो तो आंसर आता है 34. दोनों को प्लस करोगे, दोनों के एज को अगर ऐड किया तो आंसर आता है 34. लेकिन सेकंड कंडीशन में बताए प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स, मतलब प्रियंका जो है प्रियंका दीपिका से 6 साल क्या है, बड़ी है. तो दोनों का एज क्या हो सकता है, ओके. नाउ सी सिंपल सम है, लेट एज ऑफ प्रियंका भी एक्स एंड दीपिका भी वाई. प्रियंका एक्स और दीपिका वाई है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34. एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34 इज द इक्वेशन नंबर 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड कंडीशन में क्या बताया कि प्रियंका मतलब एक्स एक्स है वो वाई से क्या है, 6 साल बड़ी है. मतलब प्रियंका की एज वाई से 6 साल बड़ी है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 6. वाई यहाँ पे माइनस हो गया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन नंबर 2. एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस वाई यहाँ पे माइनस है, दोनों को ऐड किया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6. वाई वाई कैंसल, 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 20. x की वैल्यू क्या आती है, 20. मतलब प्रियंका की एज यहाँ पे क्या आई, 20 ईयर्स. प्लस x इज इक्वल 20 इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, सो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 34, y इज इक्वल टू 34 माइनस 20, y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू 14. सो प्रियंका की एज क्या होगी, x इज इक्वल 20 ईयर्स और दीपिका की एज क्या होगी, 14 ईयर्स. बहुत ही सिंपल सम है, आया समझ में, राइट डाउन. ओके, नेक्स्ट सम इज ऑल्सो वेरी इजी. द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन अ सर्टन जू इज 50, द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 140. देन फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक इन द जू. एक जू है, जू में क्या है, लायन और पीकॉक है, ओके. लायन और पीकॉक मिलकर कितने होते हैं, 50 होते हैं. दोनों को ऐड करने के बाद क्या होते हैं, 50. उनके जो लेग्स है वो लेग्स को ऐड करो तो कितने होते हैं, 140. लायंस कितने हैं, पीकॉक कितने, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आता है 50. उनके जो लेग्स है, लेग्स को ऐड करो तो आंसर क्या आता है, 140. नाउ सी, लेट द नंबर ऑफ लायंस बी एक्स, नंबर ऑफ पीकॉक बी वाई. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई लायन प्लस पीकॉक इज इक्वल टू 50. एक्स लायन वाई पीकॉक इज इक्वल टू 50. अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन एक्स हम लोग ने क्या लिया, लायन लिया है. लायन क्या होता है, फोर व्हीलर होता है, मतलब 4 पैर होते हैं उसको, 4 लेग्स, और पीकॉक 2 लेग्स. तो लायन 4 व्हीलर 4x और पीकॉक 2 व्हीलर 2y. 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140. 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 140. सब इवन नंबर है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया. डिवाइड बाय 2 वी गेट 2 2 4, 2 1 2, 2 7 14, आंसर आया 70. 2x प्लस y इज इक्वल टू 70. सी 2 2 4, 2 1 2, 270 140. इक्वेशन नंबर्स मैंने छोटे कर लिए ताकि एडिंग में इजी रहेंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखो यहाँ पे 2x, सॉरी ओके, यहाँ पे y प्लस है, यहाँ पर भी y प्लस है, कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2. तो 2 क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 70 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 50. अब यहाँ पे माइनस किया तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, 2x माइनस x, x प्लस माइनस कैंसल, 70 माइनस 50 20. गॉट इट, देखो 2x माइनस x, x ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, 70 माइनस 50 20 प्लस x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में उसको रखा. इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा, x प्लस y इज इक्वल टू 50. इक्वेशन 1 इज x प्लस y इज इक्वल टू 50. सो 20 प्लस y इज इक्वल टू 50. 20 प्लस y इज इक्वल टू 50. देन y इज इक्वल टू 50 माइनस 20. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हुए, एंड y इज इक्वल टू 30. नंबर ऑफ पीकॉक, नंबर ऑफ लायंस भी x कितना आया, 20, एंड नंबर ऑफ पीकॉक भी y कितना आया, 30. मतलब लायन कितने वहाँ पे, 20 है, और पीकॉक कितने हैं,
30। समझ में आए? देखो दोनों को ऐड करो तो 50 हो गए। अब लायंस के फोर लेग्स मतलब 24 जा 80 और इनके 2 मतलब 60, 80 प्लस 60 140। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। ओके राइट डाउन। नेक्स्ट सेम इज ऑल्सो वेरी इजी। संजय गेट्स फिक्स मंथली इनकम। ओके एक मंथली इनकम इसको फिक्स। एवरी ईयर देर इज अ सर्टन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। हर साल के इसके सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, इन हिज सैलरी। आफ्टर 4 ईयर्स हिज मंथली सैलरी वॉज रुपीज 4,500। 4 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी क्या होती है? 4,500। ओके एंड आफ्टर 10 ईयर्स हिज मंथली सैलरी बिकम 5,400। 4 साल के बाद कितनी? 4,500 और 10 साल के बाद 5,400। तो उसकी मंथली फिक्स सैलरी क्या है, उसका इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट क्या है, वो हम लोग को ढूंढना है। राइट नाउ सी, लेट फिक्स मंथली सैलरी उसकी एक्स है, सपोज एक्स के उसकी मंथली सैलरी उसको एक्स मिलती है। इंक्रीमेंट क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट क्या है, वाई है। राइट अब देखो 4 साल के बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, उसको 4 साल के बाद जब पेमेंट उसके हाथ में आया है, मतलब 4 साल के बाद एक मंथली इनकम जो उसका आया है वो कितना था? 4,500। अब इसमें क्या है, फिक्स सैलरी है उसकी एक्स और ये 4 साल का इंक्रीमेंट है। 4 साल का उसका जो भी इंक्रीमेंट बनता है वो ऐड करके उसकी सैलरी कितनी हो गई? 4,500। समझ में आया कंडीशन? क्या बताए, उसकी फिक्स सैलरी और ये जो इंक्रीमेंट है 4 साल का वो ऐड करके आंसर कहते हैं 4,500। इज ए इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि फिक्स सैलरी, सैलरी उसकी उतनी ही है, इंक्रीमेंट उसका बढ़ रहा है, 10 साल के बाद का इंक्रीमेंट और सैलरी और इंक्रीमेंट मिलकर कितने होते हैं? 5,400। सैलरी प्लस इंक्रीमेंट कितने होते हैं? 5,400। तो इसकी सैलरी इंक्रीमेंट हम लोग को फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे एक्स एक्स दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1/2। सो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 5,400 माइनस एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ, 10y माइनस 4y 6y, 5,400 माइनस 4,500 आंसर इज 900। y इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 6 एंड y इज इक्वल टू 150। समझ में आया कैलकुलेशन? 6y इज इक्वल टू 900, y इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाई 6 एंड y इज इक्वल टू 150। प्लस y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 4y इज इक्वल टू 4,500। x प्लस 4 इंटू 150 इज इक्वल टू 4,500। सो x प्लस 150 इंटू 4 600। तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 4,500। सो x इज इक्वल टू 4,500 माइनस 600, x इज इक्वल टू 3,900, x इज इक्वल टू 3,900। तो संजय जो है, संजय की मंथली सैलरी कितनी है? 3,900 और उसका जो इंक्रीमेंट है एनुअल इंक्रीमेंट वो कितना है? 150 रुपीज़। कितना है? 150 रुपीज़। आया समझ में? राइट डाउन।